नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सुधीर कुमार, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और ये है हमारा अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। इस चैनल के माध्यम से अनअकैडमी हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी कराती है यूपीएससी के लिए। और आप लोगों को पता है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के आप लोग घर बैठे ऑनलाइन तरीकों से अपने तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर फॉर्म में, और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड मिलेगा। और इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने मोबाइल पे डाउनलोड करना है और अपने तैयारियों को आगे बढ़ाते रहना है। और ये हूँ मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार, और मेरे बारे में सारी बातें ये मेरे बारे में, और ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और ये अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। इन दोनों को आप लोग फॉलो कर लेंगे। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस पे मैं अपने सभी क्लास का लिंक, सभी क्लास का पीडीएफ मैं अपलोड कर देता हूँ, आप लोगों को यहाँ से मिलेगा। जो अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है, इस पे आप लोगों के लिए अनअकैडमी के ऐप पे क्लास होती है, दो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 1:30 बजे से 3:30 PM से मैं पूरे एक साल के, 1 ईयर के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन MCQ। और इसी चैनल पे 5 बजे से 5 PM से एनसीईआरटी हिस्ट्री के क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रहा हूं। तो जरूर आप लोग ध्यान से दोनों क्लास को ज्वाइन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स मिलेंगे आपको यहां पे अनअकैडमी पे, जो आपको यूपीएससी की तैयारी पे हर कदम पे आपके साथ हैं। और ये है अपकमिंग कोर्सेज, सभी कोर्सेज जो शुरू होने वाले हैं अनअकैडमी के, प्लस और आइकॉनिक, ये दो तरीके के फीचर्स हैं यहाँ पे, और दोनों जीएस के फाउंडेशन बैच। प्लस में क्या होगा, आपको डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। जो जीएस का फाउंडेशन होता है वो कम से कम मिनिमम 1 ईयर का कोर्स तो होता ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही 1 साल का, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर का प्लान है। 1 साल की फीस है 49,500 रुपए प्लस कोर्स का जीएस के। इसमें भी आप जब भी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपसे एक रिफरल कोड मांगेगा, तो उस कोड पे आप ये कोड डाल देंगे जो मेरा कोड है स्वदीप, तो आपको इस फीस में 10% डिस्काउंट में मिलेगा और आपकी 1 साल की फीस हो जाएगी 44,550 रुपए। वहीं अगर आप 2 साल के लिए लेते हैं 72,000 रुपए, कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 64,800। 1 साल का उनके लिए है जिन लोगों को 2022 में एग्जाम देना है, 2 साल का उनके लिए है जिनको 2023 में एग्जाम देना है, और ये है 3 साल का उनके लिए जो लोग क्लास 12th में है, ठीक है, क्लास 12th में है, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, इनकी फीस है 90,000 रुपए। कोड का इस्तेमाल यहाँ पर भी करेंगे तो आफ्टर डिस्काउंट फीस हो जाएगी आपकी 81,000 रुपए। दूसरा है आपका आइकॉनिक। आइकॉनिक में क्या है कि प्लस कोर्स वाली सारी चीजें मिलेंगी, सारी की सारी चीजें प्लस कोर्स वाली में मिलेंगी, कुछ एडिशनल फीचर जैसे पर्सनल कोच में मिलेंगे जो डेली, मतलब पर्सनली आपके ऊपर ध्यान में रखेंगे, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे, पूरे स्टडी प्लान पे आपके ध्यान रखेंगे और पर्सनली फीडबैक भी देंगे। ये भी फाउंडेशन है, तो 1 साल 2 साल 3 साल का, 1 साल की फीस 69,500। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 10% डिस्काउंट और आफ्टर डिस्काउंट फीस होगी 62,550। 2 साल का 1,07,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 96,300, और 3 साल का 1,41,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 1,26,900। तो ये सारा प्लान। उसके बाद ये रहा ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन। ऑप्शनल में क्या है, ऑप्शनल आप 6 महीने का ले सकते हैं, 1 साल का ले सकते हैं, 2 साल का ले सकते हैं, 3 साल का ले सकते हैं। 1 साल की फीस 22,500, अरे सॉरी 6 महीने की 22,500, 1 साल की 27,500, 2 साल का 40,000, 3 साल का 50,000। इस पर भी जब भी आप ले लेंगे तो इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। 6 महीने की फीस हो जाएगी 20,250, 1 साल की फीस होगी 24,750, 2 साल की फीस हो जाएगी 36,000 और 3 साल की फीस हो जाएगी 45,000 कोड के इस्तेमाल करने के बाद में। और अनअकैडमी देखिए, यहाँ पे 18 तारीख से एक बैच शुरू किया है यूपीएससी 2021-22-23 के लिए, तो आप लोग जरूर इसको ज्वाइन करें। और ये उनके लिए है जो इस बार 2021 में प्रीलिम्स देंगे, उनके लिए 6 महीने का बैच शुरू हुआ है 18 से। आपका ये हिंदी मतलब बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश सब में अवेलेबल है। 2022 का भी फाउंडेशन शुरू हुआ है जिन लोगों को 1 साल बाद एग्जाम देना है 2022 में प्री का, तो जीएस का फाउंडेशन कोर्स, ये भी इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल तीनों में अवेलेबल है, इसको भी ज्वाइन करें। और 2023 यानी जिनको 2 साल के बाद एग्जाम देना है यूपीएससी का, यानी 2023 में, उसके लिए भी ये फाउंडेशन बैच 18 तारीख से शुरू हुआ है, इंग्लिश हिंदी और बाइलिंगुअल। और एक एनसीईआरटी का बैच भी अनअकैडमी ने शुरू किया है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, जिसको 21 में देना हो, 22 में देना हो, 23 में देना हो, कभी भी दे सकते हैं एग्जाम उनके लिए, लेकिन एनसीईआरटी वाला बैच सबके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। और इसी एनसीईआरटी बैच के आधार पर ही मैंने भी एक क्लास शुरू की है अभी, एनसीईआरटी का टेस्ट, ठीक है, पूरे जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी का टेस्ट मैं ले रहा हूँ सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। पहले हिस्ट्री,
फिर ज्योग्राफी होगा, फिर पॉलिटी होगा, फिर इकोनॉमी, मतलब जो विषय है जीएस के सब होंगे। अभी हिस्ट्री चल रहा है 6 to 12 के एनसीईआरटी का टेस्ट, शाम 5 बजे से, 5 बजे से अन अकेडमी के मोबाइल ऐप पे क्लास होती है, लाइव होती है। तो जरूर आप लोग जिसके जिसके पास अन अकेडमी का मोबाइल ऐप है जरूर इस क्लास को ज्वाइन करें शाम को 5 बजे, और जिनके पास नहीं है वो डाउनलोड करें अन अकेडमी का मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से जा करके, उसके बाद इस क्लास को ज्वाइन करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और अभी आपने पीछे देखा जीएस और ऑप्शनल का अलग अलग सब्सक्रिप्शन, अब आप यहाँ पे देखिए आप इन दोनों के, जैसे जीएस का आइकॉनिक और ऑप्शनल अगर एक साथ लेते हैं तो भी आप 1 साल 2 साल 3 साल के लिए ले सकते हैं। 1 साल का 88,500, 2 साल का 31,500, 3 साल का 67,200 से तीनों आप ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें अपने अनुसार। उस पर भी इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो सारे फीस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और दूसरा है जीएस का प्लस कोर्स, अगर ऑप्शनल ले लेते हैं तो भी आपका 1 साल 2 साल 3 साल का है, 70,103 और 99,680, 121,200, इस पर भी आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो ये सारा प्लान है, सारी चीजें। और मैंने बताया था कि आइकॉनिक का प्राइस बढ़ने वाला है, तो 25 जनवरी से आइकॉनिक का प्राइस बढ़ जाएगा, तो जिन लोग आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना हो 25 तारीख के पहले पहले ले लें तो आपको वही पुरानी फीस में ही आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, और उस फीस पे भी 10% डिस्काउंट होगा अगर आप इस कोड का, जो मेरा कोड है स्वदीप, इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो, ठीक है। और ये है आज का टॉपिक जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, जो हम लोग डिस्कस करेंगे। 2 दिन क्लास नहीं हो पाई थी, थोड़ी मेरी तबीयत नासाज थी, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे इबोला वायरस वैक्सीन के भंडारण के बारे में, दूसरा टॉपिक वक्फ संपत्तियों को जियो टैग में मिला है, तीसरा फेसलेस पेनाल्टी स्कीम 2021, चौथा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बारे में देखेंगे क्यों चर्चा में है, पांचवा सुप्रीम कोर्ट का नदी जल प्रदूषण पर फैसला आया है, छठा डीआरडीओ की पहली स्वदेशी 9 मिमी मशीन पिस्तौल अश्मी के बारे में पढ़ेंगे, और सातवां नेपच्यून बॉल्स के बारे में देखेंगे, आठवां देखेंगे प्लास्टिक कचरे का अपशिष्ट प्रबंधन, और नौवां टॉपिक हम लोग देखेंगे क्यूबा एक आतंकवाद प्रायोजक राज्य के रूप में नामित हुआ है। ये सारा डिटेल्स हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, एक एक चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है इबोला वायरस वैक्सीन का भंडारण, क्या कह रहा है इबोला वायरस वैक्सीन के भंडारण के बारे में, देखिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, जो WHO है उसके द्वारा, भविष्य में इबोला प्रकोपों से निपटने के लिए इबोला वैक्सीन भंडार तैयार किया जा रहा है। भविष्य में अगर इबोला वायरस आया, मतलब वायरस तो है ही है, अगर फिर से इसका प्रकोप फैला तो इससे निपटने के लिए इसके वैक्सीन को स्टोर किया जा रहा है। और इस संबंध में जारी अधिसूचना के मुताबिक डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स, यूनिसेफ और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थान भी इस कार्य में WHO की सहायता करेंगे। इस कार्य में WHO की मदद कौन कौन करेगा, WHO की मदद डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यूनिसेफ, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस जैसे जितने इंटरनेशनल संगठन है ये सब इसकी सहायता करेंगे। और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इबोला वैक्सीन का भंडार स्विट्जरलैंड में स्थापित किया जाएगा। कहां किया जाएगा इसका भंडारण, स्विट्जरलैंड में WHO करेगा, ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, और इसमें इबोला वैक्सीन के तकरीबन 50,000 डोज आरक्षित किए जाएंगे, जिसमें से तकरीबन 7,000 डोज पहले से मौजूद हैं, जबकि शेष डोजेज का भंडारण आने वाले समय में इस भंडार में आगे भी किया जाएगा। अभी 7,000 अवेलेबल है, 50,000 डोज और आरक्षित किए जाएंगे, फिर जैसे आने वाला समय होगा उस अनुसार से इसमें और भी चीजें बढ़ाई जाएंगी डोज को। और वैक्सीन भंडारण के लिए वित्तीय सहायता वैश्विक वैक्सीन गठबंधन गावी के द्वारा प्रदान की जाएगी, ठीक है। इसके लिए वित्तीय सहायता कौन प्रदान करेगा, गावी। और इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने अन्य भागीदारों के साथ मिलकर मेनिनजाइटिस और एलो फीवर की वैक्सीन का भी भंडारण किया है, तो ध्यान में रखेंगे इनका पहले से किया है, अभी इबोला का कर रहा है तो WHO। आगे देखिए इबोला वायरस के बारे में, इबोला वायरस की खोज सबसे पहले 1976 में इबोला नदी के पास हुई थी, जो कि अब कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, और अफ्रीका में फ्रूट बैट चमगादड़ इबोला वायरस के वाहक है, जिनसे पशु, चिंपैंजी, गोरिल्ला, बंदर, वन्य मृग वगैरह संक्रमित होते हैं, और इनमें वायु जनित संक्रमण लेकिन नहीं होता है, वायु के द्वारा ये नहीं फैलते हैं। अगला जो हमारा आज का दूसरा टॉपिक है वो है वक्फ संपत्तियों को जियो टैग, ठीक है, जीआई टैग में मिला है वक्फ संपत्तियों को, तो क्या है ध्यान से पढ़िए।
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में सभी वक्फ संपत्तियों को जियो टैगिंग करने का निर्णय लिया है, जिस पर जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा। अब केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने लिया है, हमारा जो यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी, पुडुचेरी में जितने भी वक्फ संपत्ति है उनके बारे में आगे देखिए। और इस निर्णय का प्राथमिक उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के अवैध अतिक्रमण को रोकना है। जातों के बीते 15 वर्षों में पुडुचेरी में कोई भी वक्फ बोर्ड स्थापित नहीं किया गया है। ध्यान में रखेंगे अल्पसंख्यकों का यह बोर्ड है, ध्यान से। जियो टैगिंग का आशय विभिन्न मीडिया फाइलों जैसे फोटोग्राफ, वीडियो, वेबसाइट, RSS फीड में भौगोलिक पहचान मेटा डेटा को जोड़ने की प्रक्रिया से है, और यह भू स्थानिक मेटा डेटा का ही एक रूप है, और इस डेटा में प्रायः अक्षांश और देशांतर निर्देशांक शामिल होते हैं, हालांकि इसमें ऊंचाई और स्थान आदि को भी शामिल किया जा सकता है। वहीं वक्फ धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए ईश्वर के नाम पर दी गई संपत्ति भी होती है। तो सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। और कानून के अनुसार इस्लाम धर्म को मानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा धार्मिक अथवा धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थायी रूप से दान की गई कोई भी चल अथवा अचल संपत्ति वक्फ संपत्ति होती है। वक्फ संपत्ति क्या होती है कि कानून के अनुसार जो भी लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं उस व्यक्ति के द्वारा, मतलब जो भी इस्लाम धर्म को मानते हैं उसके द्वारा जो भी धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए जो दान की गई संपत्ति होती है ना, धार्मिक काम के लिए, इस्लामिक इस्लाम धर्म के काम के लिए, उसी के कोई भी संपत्ति, चाहे वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, या लिक्विड हो मतलब कैश के रूप में हो या जमीन जायदाद के रूप में हो, ठीक है, तो चल अचल जो भी संपत्ति है वही सारी संपत्ति वक्फ संपत्ति होती है। और भारत में वक्फ संपत्ति को वक्फ अधिनियम 1995 के द्वारा शासित किया जाता है। सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। अगला जो टॉपिक है हमारा, तीसरा टॉपिक, वो है फेसलेस पेनाल्टी स्कीम 2021 क्या है, इसके बारे में पढ़िए क्या कह रहा है, ध्यान से, कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने अपने फेसलेस मूल्यांकन कार्यक्रम के तहत आयकर से संबंधित जुर्माना अधिरोपित करने से जुड़े मुद्दों के लिए फेसलेस पेनाल्टी स्कीम 2021 की शुरुआत की है। और इस योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से जुर्माना भरने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिसमें अपीली कार्रवाई के दौरान अतिरिक्त आधार और नए सबूतों को जोड़ने की प्रक्रिया भी शामिल हो जाएगी। और इस स्कीम का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि प्राधिकरण द्वारा जारी किसी भी जुर्माना संबंधी आदेश की सही ढंग से पुष्टि की जाए, और आयकर विभाग ने आयकर आकलन में अधिक पारदर्शिता, दक्षता, जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बीते वर्ष अगस्त माह में फेसलेस मूल्यांकन कार्यक्रम भी शुरू किया था, ठीक है ना। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य करदाताओं और आयकर विभाग के बीच मानवीय इंटरफेस को पूर्णतः समाप्त करना है, और इस प्रणाली में कर अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला जो है वह है भारत मौसम विज्ञान विभाग के बारे में क्या कह रहा है, ये देखिए। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD 15 जनवरी 2021 को अपना 145वां स्थापना दिवस मना रहा है, ठीक है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 15 जनवरी 2021 को अपना 145वां स्थापना दिवस मनाया है, और भारत मनाएगा, और क्या कह रहा है, मतलब मना चुका है। और भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में ब्रिटिश भारत में की गई थी, और यह मौसम विज्ञान से संबंधित विषयों से संबंधित सभी मामलों की एक सरकारी एजेंसी है। IMD भारत के मौसम विभाग का लेखा जोखा सब कुछ पता करना इसी का काम है। और इस एजेंसी का प्राथमिक कार्य मौसम संबंधी विशिष्ट सूचनाओं को एकत्र करना और मौसम संवेदनशील गतिविधियों के संचालन जैसे कृषि, सिंचाई, शिपिंग, विमानन, अपतटीय तेल की खोज आदि हेतु मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करना है। और इसके अलावा यह मौसम विज्ञान और संबंध विषयों में अनुसंधान करने और उसे बढ़ावा देने का कार्य भी करता है। और वर्ष 2020 में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की हैं। तो सारे पॉइंट को और आगे, वर्ष 2020 में विश्व मौसम संगठन ने भारत मौसम विज्ञान विभाग की 7 वेधशालाओं को मान्यता प्रदान की है, तथा वर्तमान में 29 डॉपलर मौसम रडार देश में कार्यरत हैं, जिनमें सोनमर्ग में स्थित एक पोर्टेबल डॉपलर मौसम रडार भी शामिल है। और इसके अलावा वर्ष 2020 में वास्तविक वर्षा आंकड़ों के एकत्रण को 683 जिलों से बढ़ाकर 690 जिलों तक भी किया गया है। तो सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे।
अगला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये कि सुप्रीम कोर्ट का नदी जल प्रदूषण पर फैसला आया है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने नदी जल प्रदूषण पर, क्या ध्यान से देखिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नदी जल प्रदूषण पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि प्रदूषण मुक्त जल नागरिकों का मौलिक अधिकार है और इसे सुनिश्चित करना कल्याणकारी राज्य का संवैधानिक दायित्व तो भी है। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीजें आ रही है ध्यान से देखिए। क्या है प्रमुख बिंदु कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत में नदी जल प्रदूषण पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी शुरुआत यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने से भी की गई है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड की हरियाणा से आ रहे पानी में प्रदूषण की बार बार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इसी वजह से, और दरअसल दिल्ली जल बोर्ड बार बार से शिकायत करा रहा था कि हरियाणा से यमुना नदी में खतरनाक प्रदूषित तत्वों वाला जल छोड़ा जा रहा है। इसी बात पर शिकायत आया तो क्या क्या चीजें ये देखिए, और इससे यमुना नदी के जल में अमोनिया की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है और जब इसमें क्लोरीन का मिश्रण किया जाता है तो कार्सिनोजेनिक बन जाता है जो कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी उत्पन्न करता है। और इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने 5 राज्यों, केंद्र सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से यमुना प्रदूषण पर रिपोर्ट भी मांगी है। क्यों, और सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ में प्रधान न्यायाधीश एएस बोबड़े, एएस बोपन्ना और वी रामा सुब्रमण्यम भी शामिल हैं। ये सारे लोग शामिल हैं, इसमें जरूर ध्यान में रखेंगे। अब क्या है, क्या कह रहा है कि प्रदूषण मुक्त जल व साफ पर्यावरण नागरिकों का मौलिक अधिकार है। इस पे बात हुई सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सुनवाई के दौरान। कहा क्या कहा ध्यान से देखिए कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रदूषण मुक्त जल व साफ पर्यावरण नागरिकों का मौलिक अधिकार है और इसे सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व तो भी है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जीवन जीने के अधिकार में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार शामिल है और इसके अतिरिक्त इस अनुच्छेद में गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है। और इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 21 की और उदारपूर्ण व्याख्या करते हुए इसमें प्रदूषण मुक्त जल को भी शामिल किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 47 और 48 में जन स्वास्थ्य ठीक करना, पर्यावरण संरक्षित करना, ये सब किसका दायित्व है, राज्यों का दायित्व है, डीपीएसपी में कहा गया ऐसा। और इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण करे और इसमें सुधार करे। और संविधान का अनुच्छेद 21 क्या है ये पढ़िए। इसके लिए क्या है संविधान का अनुच्छेद 21, क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। आप लोगों को पता भी होगा, पॉलिटी में आपने पढ़ा भी होगा। और इस अनुच्छेद में कहा गया कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई मामलों के द्वारा अनुच्छेद 21 की सूक्ष्म व्याख्या की है और इसमें कई अधिकारों को शामिल करके इसे व्यापक भी बनाया है, यथा जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार वगैरह शामिल है। ये सारी चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब एक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड जो है, जो इस पर रोकथाम का करता है, इसके बारे में पढ़िए एक पॉइंट कि यह एक सामाजिक संगठन है और इसका गठन 1974 में जल रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत किया गया था और यही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण पर नियंत्रण करने का सारा काम करता है। अगला जो है डीआरडीओ की पहली एक स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल अश्मी आया है। क्या कह रहा है इसके बारे में ध्यान से पढ़िए, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी है। इसके बारे में हमने एक शॉर्ट में पढ़ा था 2-3 दिन पहले, लेकिन ये थोड़ा डिटेल्स आया है। क्या है ध्यान से देखिए कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल अश्मी विकसित की है। इसका नाम है अश्मी। और क्या कह रहा है कि भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल को संयुक्त रूप से डीआरडीओ तथा भारतीय सेना के द्वारा विकसित किया है। डीआरडीओ भारतीय सेना ने मिलकर इसको विकसित किया है और पिस्तौल का नाम अश्मी रखा गया है, जिसका अर्थ
गर्व आत्मसम्मान तथा कठिन परिश्रम है। असमी का अर्थ है गर्व आत्मसम्मान और कठिन परिश्रम। इस हथियार का डिजाइन और विकासकार इन्फेंट्री स्कूल महो महो तथा डीआरडीओ के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एआरडी पुणे द्वारा अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए किया गया है। दो लोगों ने साथ में मिलकर इस मशीन का आविष्कार किया है। और भारत सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा के बाद इस पिस्तौल का विकास और निर्माण केवल 4 महीने के भीतर ही किया गया है, ठीक है। और इसकी विशेषताएं क्या है अश्मि की, इसका ऊपरी रिसीवर एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्युमिनियम से तथा निचला जो रिसीवर है कार्बन फाइबर से बना हुआ है। और ट्रिगर घटक सहित इसके विभिन्न भागों की डिजाइनिंग तथा प्रोटोटाइपिंग में 3D प्रिंटिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और इस पिस्तौल की उत्पादन लागत 50,000 रुपए से भी कम है, 50,000 रुपए से भी कम। और इसका उपयोगिता और लाभ क्या है कि सशस्त्र बलों में हैवी वेपन डिटेचमेंट कमांडरों, टैंक एवं एयरक्राफ्ट क्रू, ड्राइवर, डिस्पैच राइडरों, रेडियो रडार ऑपरेटरों तथा आतंकवाद रोधी कार्रवाइयों में व्यक्तिगत हथियार के रूप में इसकी क्षमता काफी अधिक है। और इसका इस्तेमाल केंद्रीय तथा राज्य पुलिस संगठनों के साथ वीआईपी सुरक्षा ड्यूटी तथा पुलिसिंग में भी किया जा सकता है। और इस पिस्तौल की विशेषताओं को देखते हुए विशेषज्ञों द्वारा इसके निर्यात की संभावना भी जताई जा रही है। अब डीआरडीओ ने किया तो डीआरडीओ के बारे में पढ़ लीजिए। रक्षा अनुसंधान विकास पर विकास संगठन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए भारत की अग्रणी संस्था है। और यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक अनुसांगिक इकाई के रूप में कार्य करता है। और इसकी स्थापना 1958 में भारतीय थल सेना और रक्षा विज्ञान के संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में की गई थी। वर्तमान में संस्थान की अपनी 51 प्रयोगशालाएं हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण इत्यादि के क्षेत्र में अनुसंधान में कार्यरत भी है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नेपच्यून बॉल्स। नेपच्यून बॉल्स के बारे में देखिए क्या है, क्या खास है, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में पानी के भीतर का मौजूद समुद्री घास प्लास्टिक प्रदूषण को प्राकृतिक रूप से फाइबर बंडलों में बदल रही है, ठीक है। जितने भी प्लास्टिक प्रदूषण हैं जो समुद्र के तट पे मौजूद होते हैं, जो फैलाए जाते हैं, तो और पानी के भीतर समुद्र में घास होती है, तो वो जब प्लास्टिक प्रदूषण उससे मिलता है तो ये सब उसमें मिलजुल के इस तरीके का आप इमेज में देख रहे होंगे, ये फाइबर बंडल के रूप में ये बन जाते हैं, ठीक है। तो ये बदल रहा है, इसी को नेपच्यून बॉल्स कहते हैं। तो क्या है कि समुद्री घास द्वारा प्राकृतिक रूप से बनाए गए इन फाइबर बंडलों को नेपच्यून बॉल्स के नाम से जाना जाता है। अब ये जो शोध अध्ययन हुआ है नेपच्यून बॉल्स पे, इसके प्रमुख निष्कर्ष क्या है ये देखिए, क्या है प्रमुख निष्कर्ष कि यह शोध बार्सिलोना विश्वविद्यालय में जीव विज्ञानियों द्वारा भूमध्य सागर के क्षेत्र में किया गया है। और साइंटिफिक रिपोर्ट जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन में कहा गया है कि इंसानों की मदद के बिना ही हर साल अकेले भूमध्य सागर में लगभग 900 मिलियन प्लास्टिक की वस्तुओं को इकट्ठा भी किया जाता है। और प्लास्टिक का यह मलबा समुद्री घास के अवशेषों में फंसकर समुद्र तट में पहुंचता है। और समुद्री घास प्राकृतिक रूप से प्लास्टिक मलबे को समुद्र से बाहर निकालकर निरंतर शुद्धिकरण का प्रतिनिधित्व भी करती है। अबे समुद्री घास क्या है ये देखिए, क्या होता है समुद्री घास। समुद्री घास समुद्र तथा महासागरों के पानी के अंदर पाई जाने वाली एक घास है। समुद्री घास फूल वाले समुद्री पौधे होते हैं जो सागरी परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं, इस तरीके के होते हैं। और समुद्री घास सामान्यतः उथले समुद्री तटों में पाई जाती हैं और कई बार यह व्यापक घने घास के मैदान का भी निर्माण करती हैं। और पूरे विश्व में समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय महासागरों में लगभग 72 प्रकार की समुद्री घास भी पाई जाती है। समुद्री घास का लाभ क्या होता है कि समुद्री घास महासागर पारिस्थितिकी तंत्रों और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मनुष्यों के लिए अत्यधिक महत्व रखती है। और समुद्री घास पानी की गुणवत्ता में सुधार करने, CO2 को अवशोषित और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। और इसके अलावा मछलियों की सैकड़ों प्रजातियों के लिए एक प्राकृतिक आवास और शरण स्थली भी प्रदान करता है। और समुद्री घास तटीय खाद्य जाल के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है। चूंकि यह घास सामान्यतः
तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, इससे समुद्र तट के क्षरण को रोकने और विनाशकारी तूफान के प्रभाव को कम करने में भी इससे मदद मिलता है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है प्लास्टिक कचरे का अपशिष्ट प्रबंधन। क्यों चर्चा में ध्यान से देखिए कि प्लास्टिक कचरे का क्या प्रबंधन कैसे किस तरीके से, ये देखिए। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने प्लास्टिक पेन से उत्पन्न कचरे को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कवर किया है, ठीक है। प्लास्टिक पेन से क्या कह रहा, ध्यान से देखिए। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने माना है कि प्लास्टिक पेन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 के तहत आते हैं और एनजीटी ने पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह प्लास्टिक पेन से उत्पन्न हुए कचरे के निपटान हेतु विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी के लिए निर्देश भी जारी करे, ठीक है। और इसके अतिरिक्त एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी को राज्य की पीसीबी और राज्य स्तरीय निगरानी समितियों के साथ ईपीआर पर समन्वय करने के लिए भी कहा है। मामला क्या था, ये देखिए क्या था मामला, कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक पर्यावरणविद ने याचिका दायर की थी और अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि प्लास्टिक पेन के उपयोग के बाद उत्पन्न कचरा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है और याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस कचरे के निपटान हेतु विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी को विधिवत लागू नहीं किया जा रहा है। और याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में बताया है कि प्रतिदिन 27 लाख पेन का उत्पादन किया जाता है जो काफी मात्रा में प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है और इस याचिका पर ही सुनवाई करते हुए एनजीटी ने उक्त निर्णय भी दिया है। विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी ईपीआर क्या है, ये पढ़िए, क्या होता है ईपीआर, स्टैंडर्ड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी के तहत उत्पादक ही कचरे का प्रबंधन करते हैं और दरअसल ईपीआर पर्यावरण को संरक्षित करने हेतु एक रणनीति है और इस सिद्धांत के तहत यह माना जाता है कि यदि पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले उत्पादों के अपशिष्ट के प्रबंधन की जिम्मेदारी उत्पादन करने वाली कंपनियों की दी जाएगी तो पर्यावरण अनुकूल उत्पादन के उत्पादों के उत्पादन हेतु भी प्रोत्साहित होंगे। अब एनजीटी के बारे में पढ़ लीजिए, वैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था लेकिन फिर भी यहाँ पे कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 द्वारा भारत में एक राष्ट्रीय प्राधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी और यह एक विशेष पर्यावरण अदालत है जो पर्यावरण संरक्षण और वनों का संरक्षण से संबंधित मामलों की सुनवाई करती है और अधिकरण की प्रधान पीठ नई दिल्ली में और भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई अधिकरण के अन्य चार पीठें हैं। और क्या कह रहा है कि इसमें पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में भारत के सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य भी शामिल होते हैं और प्रत्येक श्रेणी में निर्धारित न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की न्यूनतम संख्या 10 और अधिकतम संख्या 20 होती है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूबा एक आतंकवाद प्रायोजक राज्य के रूप में नामित हो गया है क्यूबा, तो इसलिए चर्चा में है, क्या कह रहा है ध्यान से पढ़िए। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के विदेश विभाग ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्यों हेतु बार बार सहायता प्रदान करने और आतंकवादियों को सुरक्षित बंदरगाह उपलब्ध कराने पर क्यूबा को एक आतंकवाद प्रायोजक राज्य के रूप में नामित किया। यूएसए ने किया है, यूएसए के विदेश विभाग ने क्यूबा को, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्यों को बार बार सहायता प्रदान करता है और उन लोगों के लिए सुरक्षित बंदरगाह भी उपलब्ध कराता है, इसीलिए क्यूबा को एक आतंकवादी प्रायोजक राज्य के रूप में नामित किया गया है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ते चले। देशों पर प्रतिबंध के प्रावधान क्या है, जिन देशों पर इस तरीके का प्रतिबंध लगता है उसका क्या प्रावधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेशी विभाग ने किसी भी देश को प्रतिबंधित करने के लिए निम्नलिखित चार श्रेणियां निर्धारित की हैं। चार, पहला कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विदेशी सहायता पर प्रतिबंध, दूसरा रक्षा निर्यात और बिक्री पर प्रतिबंध, तीसरा दोहरे उपयोग की वस्तुओं के निर्यात पर कुछ प्रतिबंध। जिन लोगों पर प्रतिबंध लगा है उनको ये सब सारी चीजें नहीं मिलेंगी। और क्या कह रहा है कि ऐसे देशों और व्यक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है जो नामित देशों के साथ व्यापार में संलग्न है, ठीक है। और वर्तमान में इस सूची में चार देश शामिल हैं, सीरिया, ईरान, उत्तर कोरिया और क्यूबा, ये चार देश इसमें शामिल हैं। और क्यूबा को वर्ष 2015 में सूची से हटा दिया गया था परंतु उसे फिर से इस सूची में शामिल कर लिया गया है, ठीक है।
और क्यूबा क्यूबा आतंकवाद प्रायोजक राज्य के रूप में नामित क्यों, ये देखिए, यूएसए ने क्यूबा पर निम्नलिखित आरोप लगाए हैं, इस आरोप पे ही इसको नामित किया गया। क्या आरोप लगा है ये देखिए कि वेनेजुएला की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है क्यूबा, क्यूबा के लोगों का दमन हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का समर्थन करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका की न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप करता है। ये सब सारे पॉइंट्स हैं। यूएस और क्यूबा का संबंध क्या है, यूएसए और क्यूबा का संबंध क्या है, अमेरिका और क्यूबा का, संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के बीच 60 वर्षों से अधिक समय तक तनावपूर्ण संबंध रहे हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका समर्थित सरकार ने वर्ष 1959 में फिदेल कास्त्रो की सरकार का एक तख्त भी पलट दिया था वहां पे, और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और राउल कास्त्रो ने द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के लिए कई कदम भी उठाए थे जिनमें राजनयिक संबंधों को बहाल करना, राजनयिक यात्राएं और व्यापार विस्तार करना शामिल था, लेकिन फिर उसको कर दिया गया। आगे ट्रंप प्रशासन ने पर्यटन और अन्य वाणिज्यिक क्षेत्रों पर प्रतिबंधों को फिर से लागू करके पिछले समझौतों की शर्तों को उलट दिया था। अब हवाना सिंड्रोम क्या है ये देखिए, वर्ष 2016 के उत्तरार्ध में हवाना जो क्यूबा की राजधानी है में तैनात यूएसए के राजनयिकों और अन्य कर्मचारियों ने अजीब सी आवाजें सुनने शारीरिक संवेदनाओं के बाद इस बीमारी को महसूस किया और इस बीमारी के लक्षणों में मितली, तीव्र सरदर्द, थकान, चक्कर आना, नींद की समस्याएं आदि शामिल हैं जिन्हें हवाना सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है। और अमेरिका ने क्यूबा पर इस बीमारी को फैलाने का आरोप लगाया था लेकिन क्यूबा ने इस बीमारी के बारे में किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार कर दिया था। अब इस तनावपूर्ण जो भी अमेरिका और क्यूबा के संबंध है इनका ऐतिहासिक कारण क्या है, क्यों है क्यूबा की क्रांति, ये देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका क्यूबा के अशांतप्रिय संबंधों की जड़ें शीत युद्ध से संबंधित है। वर्ष 1959 में फिदेल कास्त्रो और क्रांतिकारियों के एक समूह ने हवाना जो कि क्यूबा की राजधानी है की सत्ता पर कब्जा कर लिया और उन्होंने संयुक्त राज्य समर्थित फुलगेंसिनियो बतिस्ता की सरकार को वहां से उखाड़ फेंका। पहले अमेरिका का ही वहां पे था। क्यूबा मिसाइल संकट, संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 1961 में क्यूबा के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़ दिए और फिदेल कास्त्रो शासन को उखाड़ फेंकने के लिए गुप्त अभियान भी शुरू किया था। ये सब है। और क्या कह रहा क्यूबा मिसाइल संकट में, क्यूबा मिसाइल संकट उस समय शुरू हुआ जब अमेरिकी एजेंसियों द्वारा क्यूबा की सरकार का तख्ता पलट करने के प्रयास जिसे बे ऑफ पिक्स आक्रमण के नाम से भी जाना जाता है के बाद क्यूबा ने सोवियत संघ को गुप्त रूप से अपने द्वीप पर परमाणु मिसाइलों को स्थापित करने की अनुमति दी थी और अंत में निकिता सुश्रेव के नेतृत्व में सोवियत संघ ने अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी द्वारा क्यूबा पर आक्रमण न करने और तुर्की से अमेरिकी परमाणु मिसाइलों को हटाने की प्रतिज्ञा के बदले क्यूबा से रूस की मिसाइलों को वापस लाने पर सहमति भी व्यक्त की थी। और क्या कह रहा है, सोवियत संघ से व्यापार का एक मामला है इसमें कि क्यूबा की क्रांति के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने फिदेल कास्त्रो की सरकार को मान्यता दी परंतु नए प्रशासन द्वारा सोवियत संघ के साथ व्यापार में वृद्धि, अमेरिकी स्वामित्व वाली कंपनियों की संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण, संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात पर करों में वृद्धि किए जाने के कारण अमेरिका ने क्यूबा पर आर्थिक दंड लगाना भी शुरू किया और कैनेडी सरकार द्वारा भी लागू प्रतिबंध 1962 में क्यूबा से चीनी आयात में कटौती करने के बाद अमेरिका ने क्यूबा के लिए अपने सभी निर्यातों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसे राष्ट्रपति जॉन कैनेडी द्वारा पूर्ण आर्थिक प्रतिबंध में बदल दिया गया और इसमें कठोर यात्राएं भी शामिल की गई थी। भारत का इस मामले में क्या रुख है, भारत का क्या रुख है, आर्थिक नाकेबंदी को समाप्त करने का समर्थन क्या, कि हाल ही में जब अमेरिका ने वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में क्यूबा की सदस्यता का विरोध किया तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन सभी देशों के साथ भारत भी खड़ा हुआ जिन्होंने क्यूबा के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका की अन्यायपूर्ण और लंबे समय से चली आ रही आर्थिक नाकेबंदी को समाप्त करने की मांग भी की थी और अमेरिकी नाकेबंदी की आलोचना भी की गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत ने इस बार पर जोर दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा क्यूबा के खिलाफ इस घेराबंदी का निरंतर बने रहना वैश्विक जनमत के खिलाफ है और यह बहुपक्षवाद तथा संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता को कमजोर भी करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का रूप क्या है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्यूबा के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाई गई आर्थिक, वाणिज्यिक और वित्तीय नाकेबंदी को समाप्त करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए इस संदर्भ में वर्ष 1992 में प्रतिवर्ष एक प्रस्ताव को मंजूरी भी दी है। इसमें आगे की राह क्या होनी चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए कि द्विपक्षीय वार्ता को फिर से शुरू करना चाहिए,
कि वाशिंगटन द्वारा क्यूबा के खिलाफ नाकाबंदी को फिर से शुरू करना किसी भी देश के खिलाफ लागू एक तरफा प्रतिबंधों की सबसे अन्यायपूर्ण और लंबी प्रणाली प्रतीत होती है। तो ये द्विपक्षीय वार्ता होनी चाहिए और द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने की तत्काल आवश्यकता है। लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान करना चाहिए कि क्यूबाई प्रवासियों और लोगों को एक बड़ी आबादी में मूल जड़े संयुक्त राज्य अमेरिका में है, अतः दोनों देश लोकतंत्र और अंतरराष्ट्रीय भावना के लिए सुलह की दिशा में प्रयास करें। और भारत के लिए इसमें क्या है कि भारत के संबंध दोनों देशों के साथ अच्छे हैं, अगर अमेरिका और क्यूबा के बीच तनाव बढ़ता है तो भारत के लिए रिश्तों को तर्कसंगत के रूप में संतुलित बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था, यहीं पे समाप्त होता है। ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, यह अकेडमी का प्रोफाइल लिंक, दोनों लिंक को आप लोग फॉलो कर लेंगे और क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर कल फिर हम लोग 10:30 बजे अपने अगले क्लास में मिलेंगे इसी टाइम पे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।